हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट। बस 5 मिनट में आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट सीख जाओगे, ओनली 5 मिनट्स। फॉर्मेट सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सम जब आप करोगे तो फॉर्मेट आपको आना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। सो दिस इज बेसिकली क्या, दिस इज फॉर्मेट, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का हम फॉर्मेट सीख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट के लिए, जैसे कि अकाउंट बनता है तो डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ता है, तो यहाँ डेबिट लिख दीजिए, यहाँ पे क्रेडिट लिख दीजिए, वो तो नॉर्मल है, आपको पता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हो वो लिखना पड़ेगा आपको। सो यहाँ लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन, किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट इन, मैं सपोज करके चलता हूँ बॉन्ड्स में आप कर रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, कौन सी कंपनी का, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ डैश एंड डैश कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर रहेगा वो। अब ये फॉर्मेट है, इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम ये होगा डेट का, यानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेट, ठीक है। ये है पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, ये बचपन से अपने को मालूम है अकाउंट जब हम बनाते हैं। ये एक कॉलम है जो है फेस वैल्यू के लिए, क्या फेस वैल्यू के लिए कॉलम है, तो इस पे फेस वैल्यू रहेगा, वो देख लेते हैं हम। दिस इज कॉलम फॉर फेस वैल्यू, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं FV, मतलब इधर फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम है इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब आप जब इन्वेस्ट करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का कॉलम। और ये कॉलम है अमाउंट का कॉलम, जो जितने में भी आपने खरीदा या इन्वेस्टमेंट बेचा वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो ये टोटल इतने कॉलम होंगे, डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, फेस वैल्यू FV मतलब फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट, ठीक है। अब यही चीज वापस क्रेडिट साइड में रिपीट होगी, मतलब यहां पर क्या होगा, डेट, फिर यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद यहां पे आएगा वापस फेस वैल्यू आएगा, फिर यहां पे वापस इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, और यहां पे आपका आएगा अमाउंट, ठीक है। सो दिस आर टोटल कितने कॉलम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक साइड और दूसरे साइड भी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपको इतने कॉलम्स आपको बनाते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल कि अपने को कैसे अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट इस तरीके से है, फॉर्मेट आसान है बहुत, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फॉर्मेट में। नाउ अब ये फॉर्मेट में और क्या सीखना है, कोई बोलेगा सर ये फॉर्मेट में आपने कुछ सिखाया नहीं, तो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे साथ कुछ ट्रांजेक्शन होंगे। ट्रांजेक्शन मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो कोई एक पर्टिकुलर ईयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पहले से कुछ किया होता है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, यानी पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो कुछ चीजें हमको डेबिट साइड लिखनी होंगी और कुछ चीजें हमको क्रेडिट साइड लिखनी होगी। क्या क्या चीजें ट्रांजेक्शन होने वाले वो भी मैं बता देता हूं और वो कहां पे लिखना है वो भी बताता हूं। तो जब मैं आपसे पूछूंगा, जब सम कराऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि ये चीज कहां आएगी, डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी, तो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है यहां पे आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ता है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको लिखना क्या पड़ता है वो आपको ध्यान में रखना है, ब्रैकेट में। जब आप ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लिखना पड़ेगा आपको, टू बैलेंस BD, मतलब कोई भी एसेट का अकाउंट ओपन करते हैं तो हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो अगर ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो आपसे मैं पूछूंगा तो कहां लिखना है, आप बोलोगे डेबिट साइड लिखना है। क्या लिखना है ये पूछा तो आप बोलोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, यानी बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, तो खरीदेंगे बेचेंगे और हमको इंटरेस्ट मिलेगा, यही ट्रांजेक्शन्स है। क्या बोला मैंने, खरीदेंगे बेचेंगे और इंटरेस्ट मिलेगा, यही ट्रांजेक्शन्स पूरे होने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। तो अब हम खरीदेंगे तो यहां पे सबसे पहले क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओ से क्या डिनोट करोगे आप, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड। क्या लिखना है आपको डेबिट साइड में आके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस के लिए।
जो भी होगा यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना है और अमाउंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा ट्रांजेक्शन करेंगे खरीदेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट खरीदा है यानी परचेज किया तो वो भी डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहां पर परचेज, लेकिन परचेज नहीं लिखेंगे वर्ड, हम लिखेंगे टू कैश बैंक। क्या लिखेंगे? टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम खरीदेंगे कोई भी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी खरीदा तो परचेज लिखना डेबिट में, इसलिए मैंने यहां परचेज लिखा। लेकिन आप एंट्री जब करोगे तो लिखोगे क्या? टू कैश बैंक लिखोगे, ठीक है। परचेज वर्ड नहीं लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टू कैश बैंक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब आप खरीद रहे हो तो इधर लिख रहे हो, बेचोगे तो क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए मैं सिंपल कर देता हूं, तो क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जब आप खरीद रहे हो तो टू कैश बैंक लिख रहे हो, तो बेचोगे तो आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश बैंक। क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश स्लैश बैंक आपको लिखना पड़ेगा, और मैं ब्रैकेट में आपको लिख देता हूं क्या? सेल्स। तो आपको इजी समझ में आएगा कि अगर आपने सेल्स किया, अगर इन्वेस्टमेंट बेचा तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है? बाय कैश बैंक लिखना है, ठीक है। क्रेडिट साइड क्या लिखना है? बाय कैश बैंक। उसके बाद हम क्या होगा, अगर हम बेच रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट, हम बेच रहे हैं तो बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट बेचने पे, या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको डेबिट साइड आके लिखना है, क्या लिखना है? टू पीएनएल। क्या लिखना है? टू पीएनएल, और ब्रैकेट में आप लिखोगे प्रॉफिट। क्या लिखोगे? प्रॉफिट। यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको डेबिट में आके लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय पीएनएल। क्या लिखना है? बाय पीएनएल, और ब्रैकेट में आप लिखोगे लॉस। आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, और समझ में आ रहा है तो जस्ट अप्रिशिएट बाय योर कमेंट्स, ठीक है। और यहां पे आप देख रहे हो कि हमने एक सीक्वेंस फॉलो किया, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर परचेज लिखा, फिर सेल लिखा। सेल होगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में लिखा, लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिखा, और क्या क्या लिखा वो भी हमने समझा। अब हमको अगर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरेस्ट। अगर हमको 6 महीने का इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट मिलेगा, कभी भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितने महीने में मिलेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड एंट्री मारेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय स्लैश कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ये क्या है? इंटरेस्ट जब मिलेगा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कैश बैंक, ठीक है। सो एक बार वापस से हम फॉलो करते हैं इसको कि भाई ओपनिंग बैलेंस आया तो आप कहां लिखोगे? मेरे साथ साथ में बोलो, ओपनिंग बैलेंस आया तो कहां लिखोगे? बोलना है आपको साथ में, ओपनिंग बैलेंस आया तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर परचेज आया तो कहां लिखोगे? वापस डेबिट साइड, लेकिन लिखोगे क्या? टू कैश बैंक। उसके बाद बेचा, यानी खरीदा तो इधर, बेचेगा तो किधर साइड? क्रेडिट साइड, लेकिन लिखोगे क्या? बाय कैश बैंक। उसके बाद अगर आपने बेचा है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो प्रॉफिट होगा तो आप कहां लिखोगे? डेबिट साइड में, लेकिन क्या लिखोगे? टू पीएनएल ब्रैकेट में प्रॉफिट। और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय पीएनएल, लेकिन ब्रैकेट में लॉस। और जब इंटरेस्ट मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट आपने जो किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी डेट होगा उस पर, तो वो आएगा बाय कैश बैंक, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट लिखेंगे। और ओपनिंग बैलेंस यहां पे लिखते हैं तो ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस हमको कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड, जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस। क्लोज कर रहे हैं तो कैरी डाउन, क्या करेंगे? कैरी डाउन। और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, वी कॉल इट एज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये यहां पे लिखना होगा। सो दिस इज द फॉर्मेट। नाउ यहां पे मैंने बोला आपको ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर परचेस आएगा, तो यहां पे आपको पी लिख रहा हूं मैं परचेस के लिए, और प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट मतलब पी वापस। सो ओपीपी शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ओपनिंग बैलेंस परचेस प्रॉफिट, वो सब डेबिट साइड में आएगा। और यहां पे सेल आ रहा है, यानी एस लिखता हूं मैं सेल, फिर लॉस यानी एल, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब इंटरेस्ट मिलेगा तो आई एस एल आई, या इसको आप कैसे भी बना, एस आई एल भी बना सकते हो, एल आई एस बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहां पे एस एल आई एल आई एस, जो भी आपको बनाना बना लो, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब सी। तो ये बन गया स्लाइस, ठीक है, तो स्पेलिंग पर मत जाओ, लेकिन बन गया स्लाइस। तो आप स्लाइस से आप याद रख सकते हो क्रेडिट में क्या आ रहा है और डेबिट में क्या क्या आ रहा है। तो आपको एकदम आसानी से मैंने बता दिया है कि क्या क्या चीजें आएंगी, सिर्फ रिपीट करना है ये वीडियो 2 बार। अगर आप रिपीट करोगे तो पक्की बात है आपको समझ में आ ही जाएगा। और अब जब मैं आपको सम कराऊंगा आगे चल के, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां आ रही है। अगर मैंने आपसे पूछा
कि सेल कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड बाय कैश में। अगर मैंने पूछा आपसे परचेस कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे डेबिट साइड लिखना है सर, लेकिन क्या लिखना है, टू कैश में। मैं बोला इंटरेस्ट मिलेगा तो कहाँ लिखोगे, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड बाय कैश में। लेकिन क्या लिखना है, मतलब किधर लिखना है और क्या लिखना है, ये दो चीज आनी चाहिए। तो सेल हुआ तो प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा, तो आप बोलोगे डेबिट साइड। क्या लिखना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस लेकिन ब्रैकेट में लॉस। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से इसको याद कीजिए। यहाँ पे ओपीपी याद रखना है, यहाँ पे स्लाइस याद रखना है, यानी समझ जाओगे ओपनिंग बैलेंस परचेस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, और सेल फिर यहाँ पे लॉस या इंटरेस्ट या क्लोजिंग बैलेंस, वो सब कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो ये हम जो फॉर्मेट अभी देखे हैं वो है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स रेट ऑफ रिटर्न का। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में हम कौन सी चीज कहां लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये अगर आप प्रॉपर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर ये वीडियो देखने के बाद जब आप सम करोगे तो आपको सम भी इजी लगेगा, बिकॉज मैं आपसे पूछूंगा कि परचेस किया तो किधर लिखने का, तो आप बोलोगे डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखने का, तो आप बोलोगे टू कैश बैंक। ओपनिंग बैलेंस कहां लिखने का, तो बोलोगे आप डेबिट साइड। उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे सेल करने का तो किधर लिखने का, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, बाय कैश बैंक। ठीक है, उसके बाद सेल किया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस हुआ, तो आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखने का, तो आप बोलोगे डेबिट साइड। क्या लिखने का, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट। उसके बाद लॉस हुआ तो किधर लिखने का, तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड। क्या लिखने का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस। और इंटरेस्ट मिलेगा तो किधर लिखने का, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड, लेकिन क्या लिखोगे, बाय कैश बैंक। और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस वो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, और यही करके आप सम कर पाओगे, अदरवाइज सम नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो को दो तीन बार देखिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे सम पे जाना, तो आपको इजीली समझेगा। थैंक यू।